हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका टाइटल है बुढ़िया की सुई सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमारे चैनल पर और भी बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं, तो फिलहाल मैं आपको पहले ये स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में एक बुढ़िया रात के अंधेरे में अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी। तभी गांव के एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी। अम्मा, इतनी रात में रोड लाइट में क्या ढूंढ रही हो? व्यक्ति ने पूछा। कुछ नहीं, मेरी सुई गुम हो गई है, बस वही खोज रही हूँ, बुढ़िया ने उत्तर दिया। फिर क्या था, वो व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा। कुछ देर में और लोग भी आ गए और खोज अभियान में शामिल हो गए। धीरे धीरे देखते देखते लगभग पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। सभी बड़े ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने बुढ़िया से पूछा, अरे अम्मा, जरा ये तो बताओ कि सुई गिरी कहाँ थी? बेटा, सुई तो झोपड़ी के अंदर गिरी थी, बुढ़िया ने जवाब दिया। ये सुनते ही सभी बड़े क्रोधित हो गए और भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, कमाल करती हो अम्मा, हम इतनी देर से सुई यहाँ ढूंढ रहे हैं जबकि सुई झोपड़ी के अंदर गिरी थी। आखिर सुई वहाँ खोजने के बजाय यहाँ बाहर क्यों खोज रही हो? क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है, इसलिए, बुढ़िया बोली। शायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविष्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहाँ जल रही है। वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है, हमारी सुई कहाँ गिरी है। हमें चाहिए कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी में अपना करियर बनाएं, ना कि भेड़ चाल चलते हुए किसी ऐसे फील्ड में घुस जाएं जिसमें बाकी लोग जा रहे हों, जिसमें हमें अधिक पैसा नज़र आ रहा हो। तो आप इस तर्क से कितना सहमत हैं, कमेंट में हमें बताएं। क्या आप भी इस भेड़ चाल में कहीं शामिल तो नहीं हो गए? अगर ऐसा है तो आप भेड़ चाल से बचिए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ये विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।